पृथ्वी क्या खुश नसीब है तू सरदार। शाबाश। जब ये दोनों मेरी बाहों में होते हैं ना तो माधवगढ़ क्या मैं सारी दुनिया जीत सकता। अरे दुनिया नु छड़ पृथ्वी, पूछ वीरा से राजकुमारी नु जीतिया के नहीं जीतिया। ओ नौनिहाल, इससे क्या पूछता है हमसे? पूछ साला, मर्द की भुजाओं में दम होना चाहिए, घोड़ी और एक बराबर होती है। इसे उठा लो। ये पहला जाम उन पिंडारी भाइयों के नाम जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ओए वीरा, तेरा मतलब ये है कि हमें जंग नहीं लड़नी है, अपनी तलवारों को जंग लगाना है, इंतजार करना है इस गर्मी में। ओए नौनिहाल, पहले देख तो ले वीरू के दिमाग में क्या है। ओए सरदार, का घुन लग गया हम लोगों के दिमाग में जो इस छटाक भर के लौंडे की बात सुनेंगे। गजधर, अगर फैसला तलवार से ही होना होता तो 25 साल पहले हम अपने भाइयों को ना खोते। नया नजरिया, नई सोच लेकर वीरू विलाज से आया है। इस जंग के फैसले तेरा बेटा वीर ही लेगा। वारी तरफदारी, वाह। 25 बरस पहले तूने पृथ्वी पर भरोसा करके इसे राजा से मिलने भेजा और हमारे 4,500 पिंडारी धोखे का शिकार हो गए थे, और आज तू इसके लौंडे पर भरोसा करके एक और गलती करने जा रहा है। ए नौनिहाल, ई कल का छोकरा बिलायत से 4 अक्षर का पढ़ाया, हम लोगों का फैसला करेगा। हाँ, विलायत से पढ़कर ही आया है, गोरे की औलाद नहीं। यही गोरे की नहीं, तेरी औलाद है, बराबर है, पर तेरा बेटा के अंदर भी फिरंगियों से डरकर भागने की आदत होगी। ए काका, जरा देख तो लूं इतने सालों से इसके दिल में क्या पनप रहा है। अरे क्या पनप रहा है का मतलब, धोखा देने की नौबत ही नहीं आती। अगर जमीन का रुक्का लेने मैं गया होता, वहीं टेटुआ दबा देता राजा का, और तू साला भाग कर आ गया। कायर साला, मेरे दत्ता को गाली देता है। ए काका, जा से पकड़ूंगा, 5 शेर गोश्त निकाल लूंगा। ललकारता है गजधर को, ललकारता है, यही गाड़ दूंगा। खोदा शुरू कर, देखता हूँ कौन किसको गाड़ता है। मुकरना मत अपनी जुबान से, अगर तू पृथ्वी सिंह की औलाद है तो अब इसका फैसला जिंदगी और मौत से होगा। वही होगा। ओ चुप कर गजधर, अरे ये साला तो खोतिया है, हम पिंडारी आपस में क्यों लड़ रहे हैं प्रभु? ओ पृथ्वी, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ये लड़ाई होगी और जो बचेगा वही 15,000 पिंडारियों के फैसले करेगा। Oh!
आसानी से मर नहीं सकता। तूने मेरे दादा को गाली दी है। एट! एट! काका! एट!